वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन विद दुबना सेफ। तो यहाँ आज मैं आपको कीमा मैक्रोनी बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, मैं शुरुआत करती हूँ अपनी रेसिपी क्या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं तेल ले रही हूँ अंदाजे से, ये 2 टीस्पून है। 2 टीस्पून के करीब यहाँ पे मैंने तेल लिया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। आंच को मैं स्लो कर रही हूँ थोड़ा, 1 चमचे के करीब मैंने ये 1 चमचा ही लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास, इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें अपना कीमा ऐड करेंगे। बहुत मज़े की और बहुत अच्छी और मज़ेदार रेसिपी ये बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसमें कीमा ऐड कर दिया। अदरक लहसुन के साथ मैं मिक्सअप करूँगी इस कीमे को, फ्राई करूँगी। इसके साथ साथ मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर यहाँ पे मैंने 2 से 3 अदद लिए हैं, ये देखिए 2 से 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, ये मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे इसमें। हमारा अच्छे से मिक्सअप हो जाए। इसके साथ साथ मैं इसमें ये मसाले ऐड करूंगी। थोड़ी सी आंच को मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया है। कीमे को टमाटरों के साथ अच्छे तरीके से मिक्सअप कर रही हूँ। इसके साथ साथ इसमें मैं मसाले ऐड करूंगी। 2 टीस्पून यहाँ मैं कुटी लाल मिर्च ले रही हूँ। नमक 1 चमचा मैं हाथ से अंदाजे से डालती हूँ। इसके बाद मैं काली मिर्ची ऐड कर रही हूँ इसमें, ये भी तकरीबन मैं 1 चमचा ले रही हूँ। देन मैं इसमें जो है वो सोया सॉस और चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। ये मैं 1 टेबल स्पून लूँगी दोनों चीज़ें। टीस्पून ही ले लेती हूँ, 1 टीस्पून हमारे इसमें 2 डालेंगे, 3 डाल देते हैं। फिर मैं इसमें चिली सॉस डालूंगी और इन तमाम मसालों को मिक्सअप करके अच्छे तरीके से इसको 10 मिनट्स के लिए रख दूंगी, जब तक ताकि हमारा टमाटर और जो हमारा कीमा है, मेनली हमारा कीमा जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। देखिए चिल्ली सॉस मैंने यहाँ 2 टीस्पून यूज़ किया है। इन सारे मिक्सचर को, मसालों को और कीमे को और टमाटरों को मिक्सअप अच्छे तरीके से करके उसको पकने के लिए हम यहाँ पे रख देते हैं। सिर्फ 10 मिनट्स के बाद आपसे मिलते हैं जी। तो यहाँ पे हमारे 10 to 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, ऐड करने से पहले मैं थोड़ा सा मसाला भूनूंगी। और जो अगर हमारे टमाटर जो है ना वो मिक्सअप नहीं हुए मिक्सचर के साथ, तो मैं उसको अच्छे तरीके से
जी, तो यहाँ पे हमारा कम्प्लीटली मसाला भुन चुका है। अब मैं यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल ऐड कर रही हूँ। मिक्स वेजिटेबल में देखिए मेरे पास शिमला मिर्च है, बंद गोभी है और गाजर है। ये सब मैंने क्रश करके और काट के रखी हुई थी फ्रोज़न फॉर्म में। तो अब मैं इसको जो है वो, और मैंने इस वक्त इसमें सिर्फ जो है ना पानी से इसको वॉश किया है, और अब मैं ये इसमें ऐड कर रही हूँ। ये ऐड करने के बाद हम दोबारा इसको मसाले के साथ अपने जो है ना अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे। जब अच्छे तरीके से ये हमारा मिक्सअप हो जाएगा तो हम इसमें अपनी मैक्रोनी ऐड करेंगे। अच्छा, मैक्रोनी मैंने यहाँ पे देखिए बॉईल करके यहाँ पे रखी हुई है, ठंडे पानी से गुजार के, और ट्विस्टेड फॉर्म में है मेरी मैक्रोनी। ये देखिए बिल्कुल गली हुई है। दोबारा से आ जाते हैं अपने मसाले की तरफ। सब्जियाँ भी इसमें मिक्सअप हो गई हैं। अच्छा, हमारा फ्लेम चेक कर लीजिए कि फ्लेम मैंने यहाँ मीडियम पे रखा हुआ है। अब इस फॉर्म में मैं इसमें यहाँ पे अपनी मैक्रोनी ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाथ से ही कर रही हूँ मैं। यहाँ मैक्रोनी में डाल चुकी हूँ, अब इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे। ऊपर से आप लोग चाहें तो इसमें केचप वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, या जो लोग लाइक करते हैं मेयोनीज़ वगैरह तो वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। लेकिन ऐसा सच हमारे यहाँ इस तरह का टेस्ट पसंद नहीं किया जाता, तो मैं ये इनमें ये चीज़ें मिक्सअप नहीं करूँगी, इसको इसी फॉर्म में रखूँगी। बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बहुत अच्छी रेसिपी है। अब तक अगर आप लोगों ने ज़रूर ट्राई किया होगा मेरी रेसिपीज़ को, तो अंदाज़ा हो चुका होगा आपको कि इसका टेस्ट कितना अच्छा और कितना डिलीशियस आता है। जी, तो ये यहाँ पे डन हो चुकी है। अब मैं आपको इसका टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी है खाने में। बहुत मज़ेदार है, बहुत ज़ायकेदार, डिलीशियस। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।